एक पार्टनर था मेरा, हम दोनों अगर मिल जाए तो चुटकियों में केस सॉल्व। हर वीक की तरह ये वीक भी ऑडियंस को ओटीटी पर रिलीज होने वाली कई सारी फिल्म्स का इंतजार था, और भैया आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वीक की ओटीटी रिलीज की दमदार लिस्ट। कई लोग जो थिएटर में बैठकर फिल्म्स का मजा नहीं ले पाते हैं, उन्हें घर पर ही बैठकर शोज और फिल्म्स देखना पसंद होता है, और ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उनकी पहली पसंद होती है। और इस हफ्ते ओटीटी पर कौन सी वेब सीरीज और फिल्म्स रिलीज होने वाली है ये जानना तो बनता है, ताकि आप भी अपनी फेवरेट फिल्म या वेब सीरीज को शॉर्टलिस्ट कर ले और वीकेंड पर उसे एंजॉय कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि कौन सी फिल्म और वेब सीरीज हैं जो रिलीज होने वाली है इस वीकेंड, और हाँ साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कहाँ और कब रिलीज हो रही हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फिल्म आडू जीविदम द गोट लाइफ का। आडू जीविदम द गोट लाइफ 2024 का एक मलयालम सर्वाइवल ड्रामा है। दरअसल ये बेन्यामिन के 2008 के एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका नाम आडू जीविदम ही था। कहानी ये बताती है कि सऊदी अरब में चरवाहे के रूप में गुलाम बनाए गए एक मलयाली श्रमिक नजीब की सच्ची कहानी। जी हाँ, ये एक कहानी आपको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी, किस तरह से एक चरवाहा सऊदी अरब में सर्वाइव करता है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, एंड नो डाउट उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। पोस्टर्स और ट्रेलर इतने कमाल के थे, तो भाई फिल्म कितनी कमाल की होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी, वो भी 10 मई को। अगला नाम है फिल्म रत्नम का। ये एक तमिल एक्शन फिल्म है, फुल ऑन एक्शन फुल ऑन ड्रामा आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। फिल्म की बात करें तो फिल्म में विशाल लीड रोल में है। विशाल इस फिल्म में फुल ऑन एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। भाई साउथ की कोई फिल्म हो और उसमें एक्शन की कमी हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस फिल्म के अंदर भी भर भर कर एक्शन डाला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म ओटीटी पर लोगों को पसंद आए, क्योंकि इसमें थिएट्रिकल रिलीज जब इसका हुआ था तो लोगों को थोड़ी खास पसंद नहीं आई थी। बात करें इसके ओटीटी रिलीज की, तो ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगी। अगला नाम है 8 AM मेट्रो का। भाई 8 AM मेट्रो एक ऐसी इंसान की और एक ऐसी औरत की कहानी है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलने के बाद दोस्त बन जाते हैं। भाई अक्सर हमने देखा है कि कुछ कहानियां मेट्रो से शुरू होती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा आगे तक चली जाती हैं, और ये उन्हीं प्यारी सी कहानियों में से एक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलना और उसके बाद दोस्त बन जाना। फिल्म के अंदर गुलशन देवैया और सियामी खैर आपको मेन लीड रोल में दिखाई देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि Z5 पर ये फिल्म रिलीज होगी, वो भी 10 मई को। अगला नाम है अनदेखी 3 का। अनदेखी देखो, दो सीजन इसके काफ़ी ज़्यादा हिट रहे हैं, तो थर्ड सीजन तो आना ही था। काफ़ी ज़्यादा रिच और शक्तिशाली लोगों के आसपास ये कहानी घूमती है जो अपने अपराधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग तो अपने अपराधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं वो लोग जो इनके वजह से पीड़ित हुए हैं वो न्याय भी चाहते हैं। सीरीज में दिव्येंदु भट्टाचार्य, सूर्य शर्मा, हर्ष छाया, आंचल सिंह, अंकुर राठी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। इस वेब सीरीज का ये थर्ड सीजन सच में कमाल का होने वाला है, क्योंकि पिछले दो सीजन सच में माइंड ब्लोइंग थे। सोनी लिव पर ये सीजन रिलीज होगा, वो भी 10 मई को। अगला नाम आता है आवेशम का। 2024 की मलयालम एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये। इस फिल्म के अंदर आपको कोई और नहीं बल्कि दिखाई देंगे पुष्पा के विलन यानी कि फहाद फासिल। जी हाँ, फहाद फासिल आपको मेन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि तीन टीनेजर लोगों की कहानी आपस में एक दूसरे के ऊपर घूमती है, जो बैंगलोर आते हैं और झगड़े के बाद एक गैंगस्टर से दोस्ती कर लेते हैं। बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो अमेजन प्राइम वीडियोज पर ये फिल्म 9 मई को रिलीज होगी। अगला नाम आता है मर्डर इन माहिम का। आशुतोष राणा और विजय राज की ये फिल्म सच में आपको हैरान कर देगी। फिजियोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है और इसमें आशुतोष राणा और विजय राज मेन लीड रोल में हैं। विजय राज आपको पुलिस के किरदार में दिखेंगे, तो वहीं आशुतोष राणा का किरदार भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है। आपको बता दें कि एक मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है जो कि रियल कहानी भी है। इसमें शिवांगी रघुवंशी और शिवाजी साटम आपको मेन रोल में दिखाई देंगे। मुंबई की सड़कों पर आतंक फैलाने वाले सीरियल किलर की कहानी किस तरह से आशुतोष और विजयराज उन्हें ढूंढते हैं, इस सीरीज में आपको देखने मिल जाएगा। बात करें इसके रिलीज डेट की, तो जियो सिनेमा पर यह सीरीज 10 मई को रिलीज होगी। अगला नाम आता है ब्लड ऑफ ज्यूज सीजन 2 का।
देखो ये नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज है, लोगों को इसका फर्स्ट सीजन काफी पसंद आया था एंड इस वजह से इसका सीजन 2 जल्द ही आना था। नेटफ्लिक्स की ये ओरिजिनल सीरीज है जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है, तो भाई अगर आप भी हैं एनिमेशन के दीवाने जो कि आजकल हर दूसरा बंदा पाया जाता है, तो भाई आपके लिए ये सीरीज जरूर है। इस सीरीज के अंदर आपको सच में कमाल की चीजें देखने मिलने वाली है। इस सीरीज का काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था लेकिन अब ये इंतजार उनका खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 9 मई को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, तो भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप भी हैं एनिमेशन के दीवाने, आपको पसंद है तो आप जाइए और देखिए। चलिए कुछ फिल्म्स और वेब सीरीज के नाम थे जो इस वीक आप इंजॉय कर सकते हैं वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ। सारी कहानियाँ एक से बढ़कर एक है, सारी वेब सीरीज के अंदर आपको काफी सारा सस्पेंस एक्शन थ्रिलर मिलेगा, तो भाई अगर आप इन सभी जॉनर्स के दीवाने हैं जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए वीकेंड पर और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और साथ ही हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।